स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एक विज्ञापन है आईडीबीआई की तरफ से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस विज्ञापन में आईडीबीआई ने रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर 24-25 इस हेडिंग के अंदर कुछ पदों पर विज्ञापन जारी किया है, नियुक्तियां की जानी है। पूरा प्रोसेस हम समझेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन सारे बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हैं और आपके काम के लिए ज़रूरी है जानना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजमेंट के डेट की। तो सबसे पहला जो दो कॉलम है, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस इज फ्रॉम 9th December, मतलब ये 9 दिसंबर से शुरू होगा, कल से ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आखिरी तारीख जो होगी 25 दिसंबर है, 9 से 25 के बीच आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद कौन कौन से हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, हमको बातें समझ में आ जाएंगी। डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए आपके पास दो टेबल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला है डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज में ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे पोस्ट कोड हैं, और रिस्क मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव कॉरपोरेट क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे पोस्ट कोड और फंक्शनल एरिया हैं। इसके अंडर अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के 86 पोस्ट की वैकेंसी है, जो सारे पदों को जोड़ दिया जाए तो। और इसमें रिजर्वेशन किस तरह से होगा ये भी आपको समझा दिया गया है, किस तरह से डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर की कैटेगरी में अनरिजर्व्ड पोस्ट 36 बनते हैं और उसके बाद 12, 8, 22, 8 इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन हैं। एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों की डिटेल पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा क्योंकि सारे पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेलिंग है। मैं इस PDF को आगे स्क्रॉल करूँगा तो आपको बातें दिख भी जाएंगी। तो इसके संबंध में मेरी आपको एक सुझाव या सलाह जो भी कहें, मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के माध्यम से आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, ये PDF भी मिल जाएगा, साथ में आपको विस्तार से जानकारी आसान शब्दों में मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें कि आप किस किस पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, आप में वो कौन कौन सी बातें जो इन्होंने मांगी है वो हैं, और अगर आप फुलफिल करते हैं, आपके इंटरेस्ट का है तो आप ज़रूर भरिए। मगर उसके लिए आपको उस लिंक के थ्रू जा करके उस पूरे पोस्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये PDF इसके साथ आपको मिल जाएगा ताकि आपको पूरी बातें आसानी से समझ में आ जाए। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 4 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी का, इसमें अब BTEC BE मांगा गया है। इसी तरह से हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आप ये देखिएगा। तो आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि काफ़ी लंबा है, इसे समझना एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि मैं इसका लिंक ही आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये सारे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट का जो हिस्सा है उसमें अलग अलग आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये इस तरह से हम सरकार के आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं इसको वीडियो में डिस्कस करूँ आपके साथ, तो इतने पेज आपको क्वालिफिकेशन और सारे एजेज के बारे में इसमें समझाया गया है। पे स्केल की जानकारी इसमें दी गई है कि डिप्टी जनरल मैनेजर को 76,010 रुपये से 22-40 लेडी ग्रेड है 7 ईयर्स का, तो ये सब कुछ आप समझ पाएंगे, आपके काम की चीज़ें हैं ये, इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस स्केल में वहाँ पर काम करने के लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो इन्होंने समझाया है कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अफोर्सेड पोस्ट पोजीशन विल बी कम्प्रेस ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारा चीज़ जो आप डिक्लेयर करेंगे फॉर्म में उसकी पूरी वेरीफिकेशन के बाद आगे का प्रोसेस इसमें पूरा होगा। एज का क्राइटेरिया समझना है तो 1 नवंबर को कट ऑफ बनाया इन्होंने, 1 नवंबर के स्थिति में आपके पास ये सारी चीज़ें इसका इस रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए कि आपका एज लिमिट इनमें से आता हो, आप इस बात का ध्यान रखें। इसका कट ऑफ 1 नवंबर को माना गया है।
रिलैक्सेशन किस तरह से कितने मिलेंगे इसका भी एक टेबल है, एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमेंस, ये सारे चीज़ों को कहाँ कहाँ कितने कितने रिलैक्सेशन मिलने हैं वो आपको इस टेबल के थ्रू मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज कर लें, समझ लें आप कौन से कैटेगरी पे आ रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट एज के मामले में मिल सकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल है, अदर बैकवर्ड कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल है, और बाकी एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, एक सर्विसमैन, कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर ईसीओ, तो ये क्राइटेरिया अगर आप आते हैं इस क्राइटेरिया में तो 5 साल का आपको वहाँ पर है। 1984 राइट्स वाले हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगी पूरी डिटेल। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो एससी एसटी के लिए 200 रुपये है और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी में आपको फ़ीस को समझना है। और मोड ऑफ पेमेंट सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको ये पूरा तरीका समझाया गया है कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है, और उसके फॉर्म को भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को एक साथ अटैच करके अपने साथ रखें, जो जो चीज़ें स्कैन करनी की वो स्कैन करके रख लें, जिस जिस रिक्वायरमेंट की स्कैनिंग है वो आप कर लें, कितना KB कितना MB क्या साइज़ है क्या पिक्सल है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप अपना प्रोसेस को स्टार्ट करें। मोटी मोटी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है, आप पूरा डिटेल विज्ञापन के साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से और समझ पाएंगे। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको उन सारे बिंदुओं के साथ अवगत करा दूँ जो आपके लिए ज़रूरी है इस विज्ञापन में आवेदन करते समय। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।